मुझे नहीं पता है कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो, लेकिन अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप एक स्टूडेंट ही हो। और आप इस वीडियो पर इसलिए आए हो क्योंकि आप ये जानना चाहते हो कि आखिर कैसे सिर्फ एक महीने में अच्छे से पढ़कर आप बाकी लोगों से आगे निकल सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे तरीके बताऊंगा कि जिनको यूज करके मैंने अपनी 10th की बोर्ड एग्जाम में 80% स्कोर किया था। और ये चार टिप्स इतनी पावरफुल हैं कि अगर आपने इनको 15 दिन भी फॉलो कर लिया तो आपको खुद की स्टडी में 2 गुना इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं चार टिप्स को। टिप्स नंबर 1, हमेशा सुबह में पढ़ो। आपने अपने टीचर और पेरेंट्स से कई बार ये सुना होगा कि हमें सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए, लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर हमारे पेरेंट्स और टीचर सुबह जल्दी उठकर पढ़ने पर ही ज्यादा जोर क्यों देते हैं? तो देखो, सुबह में पढ़ना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि सुबह का समय एनर्जी से भरा होता है और सुबह के समय हमारा ब्रेन और बॉडी दोनों पूरी तरह से एक्टिवेट होते हैं। इस समय हम जो भी पढ़ते हैं उसको याद रखने के चांस 99% तक बढ़ जाते हैं। और आज आप जिन भी सक्सेसफुल लोगों को जानते हो वो सभी सुबह जल्दी उठते हैं, इसलिए आप भी सुबह जल्दी उठिए और पढ़ाई कीजिए। टिप्स नंबर 2, रटो मत, समझ कर पढ़ो। आपने अपनी क्लास में कई सारे स्टूडेंट को देखा होगा कि जब टीचर कुछ याद करने को देते हैं तो क्लास में सभी रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ ठीक वैसे ही जैसे 3 Idiots मूवी में चतुर रट्टा मारता था, सेम यही गलती आप भी करते हो। भाई चीजों को रटो मत बल्कि उसको समझो। अब यहाँ मेरा समझने से मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक ही सब्जेक्ट को घंटों घंटों तक पढ़ते रहो। नहीं भाई, यहाँ पढ़ी हुई चीजों को समझने से मेरा मतलब है कि जिस भी सब्जेक्ट में आप जो भी चीज पढ़ते हो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करो। जब आप चीजों को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ते हो तो आपको चीजें 99% तक याद रहती है। लेकिन अब सवाल आता है कि जो चीजें हमने पढ़ी है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कैसे करें? तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने साइंस में कोई चैप्टर पढ़ा और उसमें आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि ठोस द्रव गैस की परिभाषा दीजिए, तो अब आप इसको कैसे याद रखोगे? तो आप इस चीज को बहुत आसानी से याद रख सकते हो। कैसे? तो अब आपको इन्हें रियल लाइफ की चीजों से कनेक्ट करना है। जैसे आपको ठोस की परिभाषा याद रखनी है तो इसको आप किसी पत्थर और लकड़ी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जिससे ये होगा कि जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके माइंड में तुरंत पत्थर और लकड़ी की इमेज बन जाएगी और इसका आंसर आप आसानी से दे पाओगे। और हाँ, अगर अभी तक रट्टा मारते आए हो तो छोड़ दो भाई, नहीं तो आपके साथ भी वही हो सकता है जो चतुर के साथ हुआ था, जिसमें वो चमत्कार को पा बना देता है। समझ गए ना? तो इसलिए भाई चीजों को रटो मत। टिप्स नंबर 3, जितना आपने पढ़ा है उसको दोबारा से पढ़ो, यानी रिवाइज करो। आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी कि करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। जिस तरह एक जिम में जाने वाला बॉडी बिल्डर जितनी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी हेल्थ पर फोकस करता है और जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी उतनी ही स्ट्रांग बनती है, ठीक इसी तरह आप जितना ज्यादा पढ़ोगे और उस पढ़ी हुई चीजों को जितना ज्यादा रिवाइज करोगे तो आपको वो चीजें उतनी ही लंबे समय तक याद रहेगी। इसलिए रिवाइज मस्ट है। अभी तक आपको मैंने 3 टिप्स बता दी है, लेकिन इन 3 टिप्स का जब तक कोई फायदा नहीं होगा अगर आप इस 4 टिप को फॉलो नहीं करोगे। इसलिए टिप्स नंबर 4 है डिसिप्लिन। देखो, आपको कोई भी अगर कितनी भी चीजें क्यों ना बता दे, लेकिन उसका रिजल्ट आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप उसको पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं करोगे। पता है बहुत से लोग किसी काम में फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो उस काम को कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ नहीं करते। उनका जब मन करता है तभी वो काम करते हैं, जब मन नहीं करता है तो वो मजे मारते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने कुछ बनने का सोच रखा है तो भाई इसको पूरी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ करो, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कुछ और काम हो, हर चीज में डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये जो 3 टिप्स बताई हैं इसको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए, आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।